अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हमाद योर इंस्ट्रक्टर ऑन कैनवा। बेसिकली जो आज का टॉपिक है वो ये है कि आपने यूट्यूब इंट्रो वीडियो, या आउट्रो वीडियो किस तरह से कैनवा पे बनानी है। इट्स वेरी सिंपल, थोड़ा सजेस्ट इसमें आपको फोकस चाहिए और आप बना सकते हैं। मैंने एक सैम्पल बनाया, आप उसको विजिट करें, देन यू हैव टू गो फॉर द ट्यूटोरियल कि किस तरह आपने बनानी है। ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट। ये मैंने एज सच कोई इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की, मैंने 2 से 3 मिनट में ये वीडियो बनाई है। इसका ये सारा फॉर्मेट है और उसके बाद, अच्छा जी, अब चलते हैं इसके ट्यूटोरियल की तरफ कि किस तरह से मैंने ये वीडियो बनाई है। सिंपली आपने इसी तरह कैनवा टाइप करना है, यहाँ पे canva.com लॉगिन हुआ है मेरा ऑलरेडी। तो इसके ना दो तरीके इस तरह से हैं कि आप सबसे पहले तो अपना यहाँ से YouTube इंट्रो वीडियो सर्च करके भी इसको बना सकते हैं। YouTube इंट्रो वीडियो लाइक दिस, जब आप इसको इस तरह से सर्च करेंगे तो आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। लाइक यहाँ से कोई कोई भी सैंपल ले, उसको एडिट कर ले। 2 से 3 मिनट का काम है। लाइक ये देखें, इसको भी बना के दिखाता हूँ और फिर मैंने जिस तरह बनाई है मैं वो भी बना के दिखाता हूँ। तो सिंपली सिंपली इसको ओपन होते ही ये देखें, इसे क्रिएटिव ओपनर दिस कंटेंट, आई थिंक, क्योंकि ये इसके साथ नहीं मुझे जाना चाहिए था, मुझे यहाँ से किसी एक वीडियो के साथ जाना चाहिए था। वेलकम टू माई चैनल, और कोई भी यहाँ से ले लें आप, ये ले लें। अच्छा, ये जैसे स्टार्ट होती है तो मैं बताता हूँ। अब इसमें ये देखिए, इसने वीडियो बनाई हुई है, इसने डिफरेंट वेज में इसको स्टार्ट किया हुआ है। लाइक इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं, इसको आप एडिट कर सकते हैं। एडिट मीन्स टू से यहाँ से चलाएं, इसको चला के चेक करें इसने किस तरह से बनाई है। आप इसको एडिट कर सकते हैं, इसमें अपना नेम ऐड कर सकते हैं, लोगो ऐड कर सकते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, जैसे आपको एडिटिंग सिखाई हुई है। और सिंपली इसको एडिट कर सकते हैं, कोई ऑलरेडी जो वीडियो पड़ी हुई है अगर आपको पसंद आती है, अगर नहीं तो आप अदर देन दैट अपनी नई वीडियो भी इससे क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, आपने आना है न्यू प्रोजेक्ट पे। YouTube वीडियो में कोई भी न्यू प्रोजेक्ट, सिंपली इसको दोबारा मैं सर्च करता हूँ, इंट्रो वीडियो। ओके जी, इसमें ब्लैंक पे आना है। ब्लैंक पे आने के बाद जो मैंने वीडियो बनाई है उस पे अगर आप वो चाह रहे हैं तो वो शायद ये है, बच्चों मेरी वेलकम की वीडियो ये वाली। अगर मैंने सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल इसको बनाया है, इसमें यह है कि मैं सबसे पहले वीडियो में गया हूँ। वीडियो में जाने के बाद मैंने सिंपल येलो ग्रंज टाइप कुछ किया है, ये मुझे वीडियो पसंद आई, मैंने ये यूज किया, इसको मैंने एडजस्ट किया, सिंपली एडजस्ट किया। उसके बाद मैंने टाइपिंग में आया हूँ। टाइपिंग में आने के बाद मैंने सिंपली ये देखें, टाइपिंग में आया हूँ और ये टाइप किया इस तरह से। सिंपल वीडियो, उसके आगे सिंपल ये है। और मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से बैक, वेलकम बैक, बैक लिखने के बाद इसको मैंने किया है होलो। एनिमेशंस इफेक्ट्स में जाके इसको मैंने ये कर दिया है, और इसका मैं फॉन्ट जो लगाया हुआ है वहां पे मैंने लगाया हुआ है रेलवे हैवी। फॉन्ट चेंज कर सकते हैं आप, बाकी आप ये वाला फॉन्ट है मैंने जो यूज किया हुआ है, और आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। और उसके अलावा बैग, इसको वेलकम है जो
वो इसी तरह से मैंने इसको कॉपी किया और वेलकम वेलकम बड़ा छोटा सा लिखा हुआ है इस तरह से, और वो आई नो कि किस फॉन्ट में। सिंपली आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इसको एडजस्ट करने के बाद इसकी फॉन्ट चेंज कर देनी है। फॉन्ट इसकी है जी, ये इसका नाम है रिलायंस। इट्स अ प्रो फॉन्ट, और आपको थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टी होगी अगर आप फ्री हैं। मैं कोशिश यही करता हूँ कि सारी फॉन्ट्स फ्री वाली ही यूज की जाए और आपके लिए इजी रहे। सिंपल इसी तरह से मैंने इसको, इसका साइज जो है इसका, इस वीडियो का, ये मैंने यहाँ से सेट करना है। टाइम टाइम कितने सेकंड्स की, मैं 3 सेकंड्स का पहला पेज बनाऊंगा। पहला पेज अगर मैं 3 सेकंड्स का बनाऊंगा, मुझे अपनी मर्जी से टाइम सेट करना है। न्यू पेज ऐसे ही एडिट किया और सेम उसी तरह से सेकंड पेज पे मैंने लिखा हुआ है टू माय चैनल। तो आपने इसी तरह से जैसे मैंने इसको क्रिएट किया, इसी तरह से ये लिख देना है। उसके बाद मैंने हमाद लिखा है, उसके बाद उसको मैं थोड़ा सा इफेक्ट्स देने के लिए थोड़ा सा चेंज किया। उसके बाद लिखा है डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, सब्सक्राइब पे मैंने 3 ये हाईलाइट्स ऐड किए हैं, और उसके बाद मैंने ये सब्सक्राइब ऐड किया। इट्स वेरी सिंपल, जिस तरह से आपने वीडियो बनानी है इसको मैंने थोड़ा सा बता दिया कि आपने किस तरह से बनाना है, इसको किस तरह से लिखना है। और मेन चीज आ जाती है एनिमेशंस, और फिर आ जाता है म्यूजिक, तो वो मैं गाइड करूंगा साथ साथ। मैं सिंपली उतनी देर में क्या करता हूँ, मैं इसी को कॉपी करता हूँ और करता हूँ कॉपी। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक दफा, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इसी तरह से इसको फिर से दोबारा से लेता हूँ एक नया पेज, उसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। जैसे मैंने वो बनाया हुआ है इसी तरह से आपने भी बना देना है। मैं टाइम सेव करने के लिए इसको कर रहा हूँ इस तरह से, लेकिन आप अपनी मर्जी से बनाएंगे। मैं क्योंकि इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसी वजह से मैं इसको ऐसे जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ। इस तरह से मैंने इसको कॉपी ली है, इसको मैं डिलीट किया। सेम वैसे ही जैसे मैंने टाइप किया था, आपने टाइप कर लेना है इसको। इसका मैं बताऊंगा क्या करना है आपने। इसको सिंपल यही फॉन्ट है रेलवे हैवी, इसको मैंने ऊपर वाली भी रेलवे हैवी है, लेकिन उसमें मैंने इफेक्ट्स लगाया हुआ है। इफेक्ट ये लगाया हुआ है हॉलो इफेक्ट, इसमें मैं कोई और इफेक्ट भी लगा सकता हूँ। ये नॉन में, ये इसी तरह से है। इस तरह करने के बाद मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी यहाँ से लोड की हुई है, ये ट्रांसपेरेंसी है ये वाला। ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, इट्स ये ट्रांसपेरेंसी वाला फॉर्मेट। तो इसी तरह से मैं इसको भी इसी तरह कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी एंड सेम ऐसे ही नया पेज भी ऐड करता हूँ। मैं जरा स्पीड इस वजह से लगा रहा हूँ, वो थोड़े शॉर्टकट्स यूज कर रहा हूँ ताकि वीडियो जो है ना वो ज्यादा लंबी ना हो और आपको भी बोर ना करूँ अपनी वीडियो में मेरी आवाज से। सिंपल डोंट फॉरगेट टाइप करना है, यहाँ से ऐड करना है टेक्स्ट और उसके बाद उसको फॉन्ट दे देना है। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, अगर आप ऑलरेडी बिल्कुल थोड़ा बहुत भी कैनवा जानते हैं तो आप इसको इजी कर लेंगे। ओके जी, उसके बाद सिंपल मैंने यहाँ से, मैं इस वजह से ज्यादातर अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं सिखाता कि आप सेम कॉपी करें। मैं कहता हूँ टूल्स यूज करें और क्रिएटिविटी अपनी लाएं उसमें, ताकि आपको डिजाइन को क्रिएट करने आए। सिंपल, वेरी सिंपल है, बड़ा कोई इसमें थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड यूज करें अगर, तो आप इसको बड़े इजीली तरीके से जो है ना वो, इसको मैंने डबल किया, इसमें से मैंने ये डिलीट कर देना है ऊपर और नीचे वाला। ओके,
अब मेन चीज है वो ये है कि हमने किस तरह से इसमें वो ऐड करना है एनिमेशंस। एनिमेशंस ये देखें, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एनिमेशन का ऑप्शन है, एनिमेशन जैसी मर्जी एनिमेशन लगाएं इसमें, इस यहाँ से ढूंढें, खुद ढूंढें इसको, ये देखें ये लगा दी, उसके बाद यहाँ पे कोई और लगा दें, जी इस वाले पे ये लगा दें, उसके बाद ये इस पे ये लगा दें, इस वाले पे जो है वो आप कोई ढूंढे इसमें से कोई भी जो आपको पसंद आए ये लगा दें, उसके बाद इस पे ये लगा दें, लगा दें आप चीज पे, उसके बाद ये इनमें से कोई लगा दें ये लगा दें, उसके बाद ये है तो इस पे भी वही सेम ही लगा दें। तो आपकी वीडियो रेडी है ऑलमोस्ट, बस टाइम थोड़ा बहुत आपने इसका सेट करना है, टाइम इस तरह से सेट करना है, आपने इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, उसके बाद ये जो वीडियो वाला ऑप्शन है इसका 3 सेकेंड्स, उसके बाद के जितने भी हैं उसका मैं 1 सेकेंड रखूंगा, और ताकि वीडियो इंट्रो वीडियो है तो ज्यादा बड़ी ना हो, सिंपली यहाँ पे 1 लिख के एंटर करना है आपने, इसको भी क्लिक करना है, इसी तरह से इस पे भी क्लिक करने के बाद इसको भी 1 लिख देना है यहाँ पे 1 इंट्रो वीडियो, ऑलमोस्ट 10 सेकेंड्स 11 सेकेंड्स इसके दौरान दौरान आती है इसके ओके। इस पे सारे पे मैंने सिंपल 1 इसका टाइम कर देना, 1 टाइम करूंगा तो मुझे अच्छे थोड़े टाइम में एक बड़ी अच्छी वीडियो विद एनिमेशन मिल जाएगी, और उसके बाद अपनी क्रिएटिविटी लाइएगा इसमें, मुझे अगर आपने किसी ने डिजाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करके जरूर दिखाइएगा, इट इज द मोटिवेशन फॉर मी। ये देखें सारी एनिमेशंस लग गई, अब क्या बचा हुआ है म्यूजिक, तो म्यूजिक मैं एक यूट्यूब पे अपलोड करनी होती है तो मैं कैनवा से नहीं ले सकता, अदर देन दैट आप कैनवा से म्यूजिक ले सकते हैं ऑडियो में जाके, यहाँ से आप म्यूजिक यूज कर सकते हैं कोई भी, लेकिन मैं जैसे YouTube से पे अपलोड करनी थी तो मैं YouTube ऑडियो लाइब्रेरी जो है YouTube लाइब्रेरी है वहां से ही म्यूजिक लेता हूँ, तो मैं ये अप्लाई कर दूंगा, ये मैं जैसे ही अप्लाई करूंगा तो मैं इसका जो है ये इसको मैं एडजस्ट करूंगा ऐसे स्टार्ट से लेके एंड तक, ओके इसमें अब म्यूजिक लग चुका है और इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, लेट्स स्टार्ट के वीडियो कैसी करते हैं। मुझे लग रहा है थोड़ी सी ये तेज है, लेकिन आप इसको अपने टाइम के हिसाब से एडजस्ट कर ले, मेन चीज ये थी कि आपको सिखाना था, कि आपने सीखना है कि किस तरह से आप इसको चला सकते हैं, तो अदर देन दैट आई कंप्लीटेड माई क्लास, सो आई द लास्ट थिंग जो रह गई है वो है कि डाउनलोड कैसे करना है, आपको कॉर्नर पे शेयर का ऑप्शन नजर आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे अगर आप इसको करें स्क्रॉल डाउन तो डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड के बाद यहाँ पे MP4 है, उसके बाद ये PDF में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, JPEG में भी सारा जो भी ऑप्शन है, MP4 क्योंकि वीडियो MP4 होती है तो मैं MP4 में ही करूँगा, और डाउनलोड तो डाउनलोड हो रही है, डाउनलोड होने के बाद इस तरह से साइट पे आ जाएगी, इस तरह से ये है और उसके बाद चलेगी इस तरह, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप सो कि ये वीडियो बड़ी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच।